प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव जीके जीएस 20 प्रश्नों के शानदार रिवीजन के साथ आपके सामने हैं और ये 20 प्रश्न वैसे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक या जितने भी वन डे एग्जामिनेशन हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर करें। कम से कम शेयर आप करें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का कि जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना आपसे पूछ रहा है किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। कितना सूची का? संघ सूची का। और तीन सूचियों में केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा किया गया। कितने सूची? तीन सूची में, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना को किस सूची में रखा गया? संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और अब समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछलियों का यकृत से जो तेल निकलेगा, लीवर से जो तेल निकलेगा, कौन विटामिन? तो विटामिन डी का। किसका प्रचुरता होगा? विटामिन डी। और विटामिन डी का जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना गया है वो सूर्य का रोशनी, सूर्य का रोशनी। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच होते हैं? क्षुद्र ग्रह, तब मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में कौन सा ग्रह होगा? क्षुद्र ग्रह होगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में। लिंगराज मंदिर कहाँ? तो ओडिशा में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का पूछेगा कि आविष्कार कौन करता है? एडवर्ड टेलर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनेगा? 7 अप्रैल। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? जावा और सुमात्रा के बीच में। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? जावा और सुमात्रा के बीच में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछते, हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। न जाने एग्जाम में कितना बार ये सवाल पूछा, काफी महत्वपूर्ण है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछेगा नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र क्या होगा? N2O। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज का जो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में, लेकिन सफलतापूर्वक जो इसका स्थापना किए हैं रास बिहारी बोस किए हैं। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा, गरसोप्पा बोलिए या जोग जलप्रपात बोल सकते हैं इसको, ठीक है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी, कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछेगा कि कौन है? जोग जलप्रपात याद रखेंगे, कर्नाटक में शरावती नदी पर है ना। अगला 11 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछेगा कौन है? तो कूचिकल है ना, कूचिकल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? कूचिकल जलप्रपात। ऊंचाई कितना? 455 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। वाराही नदी पर कर्नाटक में है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कौन नदी? तो वाराही नदी। क्या? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात, 455 मीटर जिसका ऊंचाई है। शहद में मुख्यता क्या होगा? तो शहद में मुख्यता कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यता क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी पूछेगा कहाँ? तो तंजौर। इंडिया हाउस कहाँ है? नाम ठीक है, इंडिया हाउस नाम जरूर इंडिया है, लेकिन है कहाँ? लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ? लंदन में। मूंगफली में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन? तो विटामिन B1 है ना, मूंगफली में विटामिन B1 सर्वाधिक होगा। फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाएगा, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंध रखेगा? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंध रखेगा? टेनिस से। किस खेल से संबंध रखता है? टेनिस से, आप याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होगा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच में है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। कावेरी जल विवाद पूछेगा किसके बीच? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? क्रिकेट बॉल जो हम लोग खेलते हैं उसका वजन पूछ रहा है किसका कितना होता है? तो 5.5 से 5.75 औंस तक होगा। क्रिकेट बॉल का वजन कितना? 5.5 से
5.75 औंस के बीच में क्रिकेट बॉल का वजन होता है। तो बच्चों 20 प्रश्नों का श्रृंखला हम लोग जीके जीएस का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।